बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई एम योर रिसेप्शन टीचर। कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक हैं? अच्छा अच्छा सा काम कर रहे हैं आप लोग? हॉलीडेज इंजॉय कर रहे हैं? अब तो हमारा रमज़ान आने वाला है, आप लोगों ने रोज़े रखने हैं? जी चलें, अब हम इंग्लिश की राइटिंग बुक ओपन करते हैं। आ जाएं सब बच्चे मेरे साथ। अच्छा, ये हमारा है पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पे हमारा कौन सा लेटर है? डी। अब इसको हम फोनिक्स में कैसे पढ़ेंगे? डी एंड द। क्या पढ़ेंगे? डी एंड डा। डी डा डोल, डी डा डोल्फिन। ओके किड्स, और हम इसमें डोल्फिन में कौन सा कलर करेंगे? ये देखें जी, हम डोल्फिन में करेंगे ब्लू कलर। ठीक है, ये हम ब्लू कलर इसमें सारा डोल्फिन में फिल कर लेंगे। और डोल में आप कोई सा भी कलर कर लें। ये देखें हमारी कलर बास्केट, आप इसमें से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें और अपनी डोल में आप कलर करना शुरू कर दें। ठीक है, और हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। आ जाए जी नेक्स्ट पेज पे। अच्छा जी, नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या बना है? डी डा ड्रम, डी डा डक। ओके, और डक में आपने कौन सा कलर करना है? येलो कलर। डक किस कलर की होती है? येलो कलर की। और इसके फीट्स किस कलर के होंगे? ब्राउन कलर के। ओके, फीट्स में हमने ब्राउन कलर करना है, डक की बॉडी में हमने येलो कलर करना है, और हमने इसके नोज में हमने करना है अपने रेड कलर। ओके बच्चों, और ड्रम में भी आपने डिफरेंट कलर करने हैं। अब हम पेज नंबर 21 पे आते हैं। पेज नंबर 21 पे क्या है? इसकी राइटिंग फॉर्मेशन है। क्या बना हुआ है? ये देख रहे हैं हम लोग, डॉग, ड डॉग, ड डक, ड डोल, ड डॉल्फिन। ठीक है, सबसे पहले हम ये बड़े वाले डी को हम ट्रेस करना स्टार्ट करेंगे। मेक अ स्ट्रेट लाइन। ओके किड्स, देन मेक अ ख। ओके, इस तरह से हमारा डी कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें जी, ऐसे हम लोगों ने इसको ट्रेस करना है। ये देखिए टू लाइंस के ऊपर आ रहा है ना हमारा। ये देखिए जी, मेक अ स्ट्रेट लाइन एंड मेक अ ख। चलें जी, मैंने आपको ट्रेसिंग करने भी बता दी है। आपने ऐसे जो है वो सारा पेज फिल करना है। इसकी राइटिंग फॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी, मैंने इसका फोनिक सॉन्ग भी बता दिया आपको, डी एंड डा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये देखिए जी, डी का लास्ट पेज है। इस पे क्या है? पेज नंबर 22 पे इसकी वर्कशीट है, कलर ड पिक्चर। ओके, कलर ड पिक्चर में हमने डी के ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है और हमने उसी को कलर करना है। क्या है ये? ड डॉग, ड ड्रम, ड डॉल्फिन। ठीक है, एरो और बटरफ्लाई को हमने कलर नहीं करना। और राइटिंग फॉर्मेशन वही है जो मैंने अभी आपको गाइड किया है कि एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और साइड पे हम टर्न करके ख बना लेंगे, तो ये बनेगा ड। ओके, अब हम न्यू लेटर देखते हैं। हमारा न्यू लेटर क्या है? चलें जी, पेज नंबर 52 पे आ जाएंगे सब बच्चे। पेज नंबर 52 पे, इंग्लिश राइटिंग बुक का पेज नंबर 52। इस पे कौन सा लेटर है हमारा? ई एंड ए। ई एंड ए क्या पढ़ेंगे हम? ई एंड ए, ए ए एलिफेंट, ए ए एग। ओके किड्स, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। पेज नंबर 53 पे क्या है? ई एंड ए इंजन, ए ए इंजन, ए ए इनवेलप। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। पेज नंबर 54 पे देखते हैं वहां पे क्या है। पेज नंबर 54 पे इसकी राइटिंग फॉर्मेशन है और इसके कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं ऊपर। हम इसको अगेन रिवाइज करेंगे। ए ए एलिफेंट, ए ए एग, ए ए एल्बो, ए ए इंजन। और ये देखें टू लाइंस के अंदर इनको इसने ट्रेसिंग की हुई है। ये देखें, इसमें हम पेंसिल को स्ट्रेट लाइन करेंगे, इसको भी फिर हम ख की फॉर्मेशन में ट्रेस करेंगे। मेक अ स्ट्रेट लाइन, देन मेक अ ख। ओके किड्स, ये देखें, और पेज नंबर 55 पे आ जाएंगे। ये देखें क्या करना है? कलर ए पिक्चर। ठीक है, सबसे पहले आपने ये बड़े वाले ए को ट्रेस करना है, उसके बाद हम नीचे ये अपने वर्कशीट को देखते हैं क्या करना है। ये देखें, हमने क्या करना है? एलिफेंट, इंजन एंड एग, हमने इन तीनों चीज़ों को कलर करना है और बाकी क्लो को और डॉल्फिन को कलर नहीं करना है। ठीक है बच्चों, आपको पता है ना एलिफेंट किस कलर का होगा? ग्रे कलर का। आप लोगों ने पेंसिल के साथ इसको हल्की हल्की सी शेडिंग देनी है, और इंजन में भी आपने डिफरेंट कलर करने है, और एग में आपने येलो कलर करने है। अब मैं आपको दूसरा लेटर पढ़ाने जा रही हूँ, लेटर एफ एंड फू। मेरे साथ आ जाएं सब बच्चे, पेज ओपन करते हैं। ये देखें जी, पेज नंबर 47 पे क्या है? लेटर एफ एंड फू। ठीक है, फोनिक्स में हम इसको पढ़ेंगे फू। फू फ्लावर, फू फिश,
फू फ्लावर फू फिश, हम फिश में कोई सा भी कलर कर सकते हैं, आप इसमें ऑरेंज येलो रेड कोई सा भी कर सकते हैं, फ्लावर में भी जैसा आपका दिल करता है आपने अच्छे अच्छे से कलर्स करने हैं। इसके लीव्स में हम ग्रीन कलर करेंगे फ्लावर के लीव्स में, ठीक है। और इसकी जो है ये डंडी हमने इसमें करना है स्टिक, इसमें हम करेंगे ब्राउन कलर, ठीक है। हम पेज नंबर 48 पे जाते हैं, ये देखें पेज नंबर 48 पे क्या बना हुआ है इसके ऑब्जेक्ट, फू फ्रॉग फू फिश, फू फ्रॉग फू फिश। फ्रॉग में आपने कौन सा कलर करना है, ग्रीन कलर, और इसकी आईज किस कलर की होंगी, रेड कलर की, ठीक है बच्चों। और फेस में हमने करना है ब्राउन कलर, लाइट लाइट से आपने इसकी शेडिंग करनी है, और इसके हेयर में हमने ब्लैक कलर करने हैं। पेज नंबर 49 पे आते हैं, ये देखें पेज नंबर 49, ओके 49 पे इसकी राइटिंग फॉर्मेशन है फू की। सबसे पहले हम ये बड़े वाले फू को ट्रेस करेंगे, फू फ्लावर, और साथ साथ हम रीडिंग भी करेंगे ताकि हमें भूल ना जाए कि क्या इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, फू फिश फू फेस फू फ्रॉग, ठीक है। ये देखें ऊपर की तीन लाइनों में हमने इसको ट्रेस करना है, ये देखो दी, ये देखिए जी स्ट्रेट लाइन बना के छोटा सा ऊपर से खर्व बनाएंगे, फिर एक स्ट्रेट लाइन सेंटर से इसको हमने डिवाइड कर देना, ओके। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है, ओके ये है हमारा पेज नंबर 50, और इस पे क्या है, राइटिंग फॉर्मेशन है ऊपर और नीचे इसकी वर्कशीट है, हमने फू के इमेजेस को फाइंड करने और हमने उसको कलर करना है, फू फ्लावर फू फ्रॉग फू फिश, ठीक है। एलिफेंट को एग को हमने कलर नहीं करना, ओके बच्चों। अब आप सब लोग मेरे साथ बोर्ड पे आएंगे, मैं आपको थोड़ी सी बोर्ड पे प्रेजेंटेशन देती हूँ, फिर आप लोग अपना काम मुझे जल्दी से करके दीजिएगा। अच्छा जी ये देख रहे हैं आप लोग बोर्ड पे, मैंने आप लोगों की प्रेजेंटेशन रेडी की है, आवर न्यू लेटर इज डी ई एंड एफ, ओके। अब मैं इसको फोनिक्स में आपको पढ़ के बताती हूँ, डी को पढ़ेंगे ड, डी ड डोर, डी डा ड्रम, ओके। और ई को पढ़ेंगे ए ए ए एलिफेंट, ए ए एल्बो, और हम एफ को पढ़ेंगे फू फ्लावर फू फ्रॉग फू फिश, ठीक है फू फेस। ये देखें अब मैं आपको राइटिंग करना सिखाती हूँ कैसे करेंगे, अपनी पेंसिल लेंगे और एक टू लाइन्स के अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर ट्रेस करना है, ये देखें एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर हम इसको ह में ट्रेस करेंगे, क्या बनेंगे ये ड, ओके किड्स देख रहे हैं आप लोग, यहाँ ई का पैटर्न भी यही है, मेक अ स्ट्रेट लाइन देन मेक अ क्या बन जाएगा ई एंड एफ, ओके। फू को भी हम ऐसे करेंगे, स्ट्रेट लाइन हम बनाएंगे उसकी और सेंटर से हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये बनेगा हमारा फू, ये देखिए डी